दोस्तों इस वीडियो में हम LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी को समझेंगे जिसका टेबल नंबर है 933। ये LIC की एक ऐसी स्कीम है जहां पर पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग करने का मौका भी मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर है और इस पॉलिसी होल्डर ने 25 वर्षों के लिए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने का सोचा। अब इस केस में मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के दौरान किसी भी समय मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके परिवार को पूरा डेथ बेनिफिट LIC के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता और ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो इस केस में जितना भी पैसा पॉलिसी होल्डर ने इन्वेस्ट किया था प्लस जितना भी इंटरेस्ट बनेगा इस पूरे पीरियड में, ये सारा का सारा पैसा पॉलिसी होल्डर को LIC के द्वारा दे दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी की अगर मैं सबसे शानदार बात आपसे डिस्कस करूं तो इसका जो डेथ बेनिफिट है ये यूनिक है, यानी LIC की और भी ढेरों पॉलिसीज हमने डिस्कस की हुई है। वेल, इसका डेथ बेनिफिट मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको इस पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से कंपेयर करना है जैसे LIC जीवन आनंद, LIC सरल पेंशन योजना, LIC जीवन लक्ष्य और भी ढेरों पॉलिसीज LIC की हमने अपने चैनल पे डिस्कस की हुई है। सारी की सारी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पॉलिसीज कंपेयर करनी है तो सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इस पॉलिसी की जो सबसे शानदार बात है यानी जो इसका डेथ बेनिफिट है वो एक बार हम यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने 25 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेज किया। अब इस पॉलिसी होल्डर की लेट से जब इसने पॉलिसी परचेज की उसके 5 साल के बाद ही इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस केस में LIC ये बोलता है कि इस समय पॉलिसी हम क्लोज नहीं करेंगे, आगे के जितने भी प्रीमियम्स हैं वो LIC भरेगा। इन सब के अलावा मान लीजिए इस व्यक्ति का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए था तो LIC ये बोलता है कि जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 10% यानी 5 लाख का 10% यानी 50,000 रुपया LIC हर साल इस पॉलिसी होल्डर के परिवार को देगा। इन सब के अलावा आगे के भविष्य के जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक के प्रीमियम्स भी LIC भरेगा और जिस समय पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय जितना भी पैसा बनेगा यानी मैच्योरिटी का जितना भी पैसा बनेगा, ये पैसा कितना बनेगा ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, यानी जितना भी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो सारा का सारा पैसा भी मैच्योरिटी पर इसके परिवार को दिया जाएगा। यानी यहां पर पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही, प्रीमियम्स भी LIC के द्वारा भरे जा रहे हैं, इन सब के अलावा एन्युअल पैसा भी दिया जा रहा है और मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी LIC के द्वारा दिया जा रहा है। अब एक बार इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को भी हम समझ लेते हैं। पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 1 लाख रुपए का लेना ही लेना है। अब ये सम एश्योर्ड बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर है और ये कहता है कि मैं 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेता हूं और इस पॉलिसी को मैं 13 सालों के लिए परचेज करता हूं तो इस केस में इस व्यक्ति को अगले 13 सालों के अंदर 5 लाख रुपए LIC को देना है। और इन केस मान लीजिए इस पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के दौरान कभी भी कुछ हो जाता है तो इसके परिवार को 5 लाख रुपया तो दिया ही जाएगा प्लस जितना भी बोनस बनेगा, अब ये बोनसेस क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, तो ये सारा का सारा पैसा इसके परिवार को दे दिया जाएगा। तो सिंपल से शब्दों में सम एश्योर्ड का ये मतलब होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिसी को आपको मिनिमम 13 सालों के लिए परचेस करना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप 25 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मैं 13 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेस करूंगा तो आपको जो प्रीमियम है वो 3 साल कम तक ही भरना है, यानी आपको अपना प्रीमियम 10 सालों के अंदर ही भरना है। इसी प्रकार अगर आप 25 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेस करते हैं तो 25-3 यानी 22 साल के अंदर ही आपको अपना प्रीमियम भरना है, यानी पॉलिसी के आखिरी के 3 साल आपको कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल में आप इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी किसी भी हालत में मैच्योर हो जानी चाहिए जब आप 65 साल की उम्र में पहुंचेंगे। जैसे अब इस केस में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर कोई 50 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेस करता है तो वो व्यक्ति 25 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेज नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 15 सालों के लिए ही इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है, बिकॉज 65 साल की उम्र तक ये पॉलिसी किसी भी हालत में मैच्योर हो जानी चाहिए। इन सब के अलावा इस पॉलिसी के कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, यानी जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो आपका टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 80C के तहत, और जो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर बेनिफिट मिलेंगे
वो सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेंगे। और अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और जो परिवार को डेथ बेनिफिट मिलेगा वो भी सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेगा। इन सब के अलावा जो हम प्रीमियम भरेंगे, यानी जब हम ये पॉलिसी को परचेज करेंगे उस समय जो हम प्रीमियम्स भरेंगे, वो भरने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। या तो हम मंथली बेसिस पर प्रीमियम भर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पर भर सकते हैं, यानी 3 महीने में एक बार प्रीमियम भर दिया, हाफ ईयरली बेसिस पर भर सकते हैं, या फिर साल में एक बार भी हम प्रीमियम भर सकते हैं। इन सब के अलावा एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप मंथली प्रीमियम भरते हैं, राइट, और आपका प्रीमियम मान लीजिए अब पेंडिंग है, 1 जनवरी को पेंडिंग है, ठीक है। अब आप किसी कारणवश 1 जनवरी को आप अपना प्रीमियम नहीं भर पाए, तो अगले 15 दिन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 दिन का जो समय है इसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली लेवल पर प्रीमियम भरते हैं तो इस केस में अगले 30 दिन के लिए आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप 3 महीने में एक बार प्रीमियम भरते हैं और किसी कारणवश आप अपनी डेट पर प्रीमियम नहीं भर पाए, तो अगले 30 दिन तक आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी। आपको ये 30 दिनों का ग्रेस पीरियड LIC के द्वारा दिया जाएगा। इन सब के अलावा सरेंडर ऑफ पॉलिसी का ऑप्शन भी मिलता है। मान लीजिए आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई, या फिर आपको भविष्य में इस पॉलिसी में पैसा नहीं भरना, तो आपके अगर मान लीजिए पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो किसी भी समय आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। या फिर इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में भी कम से कम पॉलिसी को चलते 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। इन सब के अलावा राइडर्स का ऑप्शन भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। राइडर्स का ऑप्शन ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में अवेलेबल रहता है, लेकिन इस केस में जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है। इस केस की अगर मैं बात करूं राइडर्स की, तो राइडर्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। मान लीजिए जो आपकी पॉलिसी चल रही है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां पर अगर मैं पहला बेनिफिट राइडर आपको समझाऊं, यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, तो इस केस में LIC ये बोलता है कि मान लीजिए अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के जरिए हो जाती है, तो उस केस में उसे पॉलिसी का तो पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के तहत जितना भी अमाउंट बनेगा ये बेनिफिट भी उसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब इस केस में थोड़ा सा प्रीमियम जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। इन सब के अलावा LIC ये बोलता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंट के थ्रू, मान लीजिए एक्सीडेंट उस पॉलिसी होल्डर का होता है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट परमानेंटली डिसेबल हो जाता है या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में LIC ये बोलता है कि उसे पूरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के बराबर ही पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, अगले 10 सालों तक मंथली बेसिस पर LIC के द्वारा दिया जाएगा। साथ में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो जितनी भी पॉलिसी का फर्दर टेन्योर बचा है, LIC की पॉलिसी जो चल रही है उसका भी सारा प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा, और ये जो कवर चल रहा था एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला, इसके भी जो बचे हुए प्रीमियम है ये भी सारे LIC के द्वारा माफ कर दिए जाएंगे। दूसरा जो राइडर है वो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इस केस में मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो जो भी उसे चोट लगेगी या फिर जितना भी एक्सपेंस हॉस्पिटल का आएगा, ये पैसा LIC के द्वारा दिया जाएगा अगर आप इस राइडर को चूज करते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस। टर्म एश्योरेंस आपको पता ही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति टर्म एश्योरेंस लेता है तो उस केस में जितने का भी वो टर्म एश्योरेंस लेगा, मान लीजिए 50 लाख का लेता है तो 50 लाख, 1 करोड़ का लेता है तो 1 करोड़, अगर कुछ हो जाता है डेथ वगैरह पॉलिसी होल्डर की, तो इस केस में ये सारा पैसा पॉलिसी होल्डर की फैमिली को दे दिया जाएगा। और चौथा जो राइडर है वो है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस केस में कुछ मान लीजिए 15-20 क्रिटिकल इलनेसेस कवर हो जाती है, इन केस पॉलिसी होल्डर को इन क्रिटिकल इलनेस का सामना करना पड़ा, तो उस केस में सारा का सारा पैसा LIC के द्वारा इसके परिवार को दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेटलमेंट के 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है और उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, अब ये मान लीजिए पॉलिसी होल्डर को पूरी पॉलिसी के दौरान कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी मैच्योर हो गई, अब पॉलिसी होल्डर के सामने 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अपना पैसा इकट्ठा ले ले, यानी लमसम ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि मंथली बेसिस पर ले ले अगले कुछ समय के लिए, मान लीजिए वो उसके पास अब ये 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगले 5 सालों तक ले सकता है, अगले 10 सालों तक ले सकता है और अगले 15 सालों तक ले सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ पैसा लमसम ले ले और कुछ पैसा मान लीजिए मंथली बेसिस पर आगे कंटिन्यू करता रहे। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शंस पॉलिसी होल्डर को ही चूज करने हैं। सेम ऑप्शंस यहां पर अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ये बोलता है कि अगर इन केस मेरी बीच में डेथ हो जाती है
तो ये भी पॉलिसी होल्डर को ही चूज करना है जब तक वो जीवित है कि परिवार को कैसा पैसा दिया जाए। मान लीजिए डेथ होने पर परिवार को लमसम पैसा देना है या फिर परिवार को मंथली बेसिस पर पैसा देना है अगले 5 साल 10 साल 15 साल जो भी वो चूज करेगा, या फिर परिवार को कुछ पैसा लमसम देना है और कुछ पैसा मंथली बेसिस पर देना है। यानी ये सारे के सारे ऑप्शन जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसे ही चूज करने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब पॉलिसी परचेज करो उसी समय बता दो कि आपको पैसा मैच्योरिटी पर लमसम चाहिए या इन केस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो परिवार को पैसा लमसम देना है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ये सब कुछ पॉलिसी होल्डर को ही बताना है। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के बेनिफिट्स बता देता हूँ कि मैच्योरिटी अगर किसी पॉलिसी होल्डर की हो जाती है तो उस केस में उसे कितना पैसा मिलेगा। देखो मैच्योरिटी होने पे सबसे पहले तो सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस यहाँ पर वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलते हैं, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया और पॉलिसी उसने ये कही कि मैं 25 सालों के लिए इस पॉलिसी को परचेज करूंगा। अब 25 सालों के लिए पॉलिसी है तो 22 साल उस व्यक्ति ने पैसा भरा होगा एलआईसी को। अब मान लीजिए इस केस में अगर इसने मंथली बेसिस पर पैसा भरा होता तो 22 सालों तक हर महीने इस व्यक्ति को 1770 रुपए भरने थे। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति ने एन्युअली पैसा भरा, यानी साल में केवल एक ही बार पैसा भरा होता, तो साल में इसको एक बार 20,787 रुपए भरने होते। इस हिसाब से अगले 22 सालों में इस व्यक्ति ने 4,57,772 रुपए भरे होते। और इस हिसाब से अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को पूरी पॉलिसी के दौरान कुछ भी नहीं होता तो इसे मैच्योरिटी पर इसका सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपए है, इसका वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस बनता 6,12,000 रुपए, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस बनता 13,37,000 रुपए। यानी अगर 22 सालों तक इसने पैसा भरा होता फिर 3 साल इसे कुछ नहीं भरना था तो यहां पर मैच्योरिटी होने पर LIC के द्वारा इसे 13,37,000 रुपए मिल जाते। अब इस केस में समझने की बात यह है कि 5 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए, 25 सालों के बाद इसे 13,37,000 रुपए मिले। अब यहां पर रिटर्न आप ये मत देखना कि बहुत कम है, इसके साथ साथ इसकी लाइफ का कवर भी मिला, यानी परिवार को एक सुरक्षा भी मिल रही है कि अगर इस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो परिवार को भी एक सुरक्षा है कि परिवार को एक पैसा मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं आपको डेथ बेनिफिट समझाऊं तो डेथ बेनिफिट के अंदर इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि ये पॉलिसी होल्डर है, इसने 25 सालों के लिए पॉलिसी परचेज की, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इस व्यक्ति ने परचेज किया। अब उदाहरण लेके चलते हैं, मान लीजिए इस पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी परचेज करने के 5 साल के बाद ही हो जाती है तो इस केस में अगले पूरे समय तक, यानी जब तक ये पॉलिसी चल रही है तब तक 10% सम एश्योर्ड का, यानी 10% 5 लाख रुपए का, यानी 50,000 रुपए इसके परिवार को हर साल एक तो LIC के द्वारा दिए जाएंगे, साथ ही में आगे पॉलिसी खत्म नहीं होगी, यानी 5 साल के बाद पॉलिसी खत्म नहीं होने वाली, पॉलिसी पूरा टाइम चलेगी, जितने भी प्रीमियम्स हैं वो LIC खुद भरेगा, परिवार को भरने की जरूरत नहीं है। एक बार जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी उस समय आपको मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, यानी परिवार को मैच्योरिटी पर 110% सम एश्योर्ड का, यानी 5 लाख का 110%, यानी 5.5 लाख रुपए, प्लस यहां पर मिलेगा वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस जो कि बनेगा 6,12,000 के आसपास, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो कि बनेगा 2,25,000 के आसपास, यानी इस केस में परिवार को 13,87,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये सिंपल सी सारी कैलकुलेशन थी LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। आई होप LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।